तो दोस्तों ये रहा चटनी बनकर तैयार। कर दिए स्टार्ट कर दिए। आज आप ही ब्लॉगिंग कीजिए। मेरे से नहीं होगा। क्यों? तुम ही बना लो, तुम अच्छा बना लेते हो, हमसे इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। अच्छा तो बोलते हैं, लीजिए ना मोबाइल पकड़िए बनाइए। तुम ही बना लो, हम तुम्हारा साथ हैं। हाँ तो अभी बज चुके हैं 6 और सोचे कि ब्लॉगिंग किया जाए, क्योंकि आज दिन भर सोए सोए मेरा समय बीता है और YouTube पे वीडियोस देखा, सोचे कुछ कुछ बना लिया जाए। एक तो ऐसा ही ब्लॉगिंग नहीं आ रहा है तो चैनल फ्रीज हो चुका है, और नहीं डाले तो चैनल कहाँ जाएगा पता नहीं, इसलिए सोचे कि ये शाम हो चुका है तो डालने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए, और इसलिए ब्लॉगिंग कर रहे हैं। और देखते हैं आज क्या बना है, मम्मी से पूछते हैं। आज ब्लॉगिंग में मम्मी ही रहेगी, आइए जानते हैं। ये टमाटर पक रहा है। हाँ, टमाटर का चटनी कैसे बनाते हैं? टमाटर को पका करके, हाँ, उसके बाद इसको छील के, हाँ, और इसमें जो है कच्चा प्याज, हाँ, और कच्चा मिर्ची काट करके, इसको कच्चा नमक तेल दे करके, हाँ, उसको चटनी बनाएंगे और फिर उसको रोटी के साथ मजे से खाएंगे। अच्छा, आप भी खा के, आप लोग भी खा के देखिए एक बार, आइए चटनी खाने के लिए। ये रहा टमाटर पक रहा है, अभी पक रहा है, पकने के बाद फिर बनेगा, पक रहा है, पक जाएगा फिर मैं बनाऊंगी, आप लोग को दिखाऊंगी कैसी चटनी बनती है। और खिलाना नहीं है? खा लो ना, खाने, आप लोग को खाने के लिए भी निमंत्रण दिया जा रहा है। आइए जितना होते हैं बांट बिचार के खाएंगे। इतना समय क्या होने वाला है, सब पहुँच जाएगा, सब पहुँच जाइए, जितना होगा उतने में गुजारा करना पड़ेगा। और क्या बना है आज? अभी तो रोटी बनी नहीं है, रात में रोटी बनाऊंगी, फिलहाल मैं चटनी बना के रख देती हूँ। हाँ, और सब्जी में? सब्जी में कटहल आलू बनाऊंगी। अच्छा, कटहल आलू, मीट मसाला डाले तो उसमें? डाले हूँ मीट मसाला। अच्छा ठीक है, तब तो बहुत मजा आएगा खाने में आज, बहुत टेस्टी। सब गिरा पड़ा देना तुम, ब्लॉग बनाते बनाते प्यास लग गई तो पानी पी रहा हूँ। और मम्मी देखिए क्या कर रही है, प्याज काट रही है, गोल गोल प्याज, उस चटनी बनाएंगे ना टमाटर को उसमें डालेंगे। ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग, पानी नहीं पीते हैं क्या? पीते हैं, तुम तो पीते होते शरबत की तरह। हो गया पानी पिया हुआ, अब डायलॉग कंटिन्यू होगा। हाँ तो आप प्रोसेस है कि प्याज मम्मी यहाँ पे काट रही है, उसके बाद फिर प्याज काटने के बाद इसमें टमाटर में टमाटर के साथ मिलाया जाएगा, उसके बाद फिर बनेगा। हाँ मम्मी का सुनिए क्या बोल रही है। देखिए अधिकतर लोग तो चाकू से प्याज काटते हैं, लेकिन मैं ये हसुआ से प्याज काटती हूँ, चाकू से मेरे से नहीं होता है, इसलिए मैं हसुआ से प्याज काटूँगी, हसुआ। हाँ बहुत अच्छा बात है, आइए आप लोग भी खाइए टमाटर का चटनी। अगर आप लोग नहीं जानते हैं बनाना तो मेरे ब्लॉगिंग के माध्यम से आप सीख लीजिए और बनाइएगा, खिचड़ी मत कीजिएगा, जो जो जैसे जैसे बन रहा है वैसे वैसे बना के खाइएगा। बिहारी खाना है, पता नहीं और जगह कैसे बनता होगा, नहीं बनता होगा या बनता भी नहीं होगा या बनता भी होगा, लेकिन बिहार में तो ऐसे बनता है। तो आज मेरे ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों ने क्या सीखा कि टमाटर का पका हुआ चटनी कैसे बनाया जाता है, खाने के लिए मुंह तो है ही, बनाया कैसे जाता है ये बहुत बड़ी बात है, इसे देखिए और समझिए है कि नहीं। ये इतना गर्म है कि देखिए छिला नहीं जा रहा है, छिला नहीं जा रहा है इसका, इसको पकाएं। हाँ। जैसे आपको दिखाए थे पकते हुए, अब इसको पकाने के बाद इसको तवा पर से बाहर निकाल लिए, अब इसको छील रहे हैं, छिलका इसका छिला जा रहा है, देखिए इसका छिलका जो है छील के निकाल रहे हैं, गरम है सारा छिलका, छिलका छील रहे हैं, फिर इसको बनाएंगे चटनी। अब टमाटर चूंकि गरम है, ये देखिए ये जो है देख रहे हैं आप, ये चूंकि गरम है इसलिए मम्मी से थोड़ा सा ब्रेक की है, ये जब ठंडा होगा तब मम्मी से इसका चटनी बनाएगी पीसकर, तब तक मम्मी जो है संध्या दिखाने यानी कि पूजा पाठ करने के लिए अब जाएगी। आज जो है ना, जो ब्लॉगिंग आज हो रहा है ना फुल्ली मम्मी के साथ। ठंडा है अभी, टमाटर छीले तो हाथ गंदा हो गया,
अब जा रही हूँ मैं हाथ धो कर के ठाकुर माँ को सजावटी दिखाऊंगी, उसके बाद फिर मैं चटनी बनाते हुए आप लोग को दिखाऊंगी। तब तक के लिए टाटा का। मेरा जो हेयर दिख रहा है ना बाल, इसमें तेल लगा हुआ है इसीलिए चिपका चिपका लग रहा है। लगता है कि मतलब कि फेस कैसा लगता है। और सप्ताह वैसे बहुत दिन के बाद में क्या से एक डेढ़ महीना के बाद तेल लगाया हूँ। तेल जल्दी में लगाता नहीं हूँ, तेल लगाने से क्या होता है बाल चिपक जाता है इसीलिए। आ गए एक बार फिर से आप लोगों के सामने। चलिए देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या है चटनी बनाने का। आइए देखते हैं मज़ेदार चटनी अभी बनेगा। अच्छा ये अभी प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है बनाने का। यहाँ देखिए आप किस तरह से चटनी को बनाया जाएगा। टमाटर दिए हैं, प्याज है, ये हरी मिर्ची है काट के कच्चा सारा दिए। अब इसमें मैं नमक डालूंगी और इधर अच्छा इसमें नमक डालूंगी और कच्चा तेल डालूंगी। ठीक डालिए फटाफट। तो दोस्तों ये रहा चटनी बनकर तैयार एकदम। और इस चटनी को जो है आप भी बना के एक बार देखिएगा और इसको रोटी के साथ खाइएगा, बहुत टेस्टी लगेगा खाने में। अपने घर में भी बनाइएगा और खाइएगा, बहुत मजे लगेगा खाने, मजे ले कर के खाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि चटनी कैसे बनाया जाता है। थैंक यू। ये कोई फूड ब्लॉगिंग नहीं है या फिर रेसिपी ब्लॉगिंग नहीं है, ये नॉर्मल ब्लॉगिंग है जो मम्मी के साथ आज बना है। क्या मम्मी? हाँ एकदम मम्मी के साथ आज बना है। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चंद्रा को अपना प्यार दीजिएगा। हाँ और कुछ बोलिएगा नहीं, बस टाटा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।